जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगतों से आज मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु जी के ये प्यारे प्यारे रूपों के दर्शन करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में आज जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखना ही पड़ेगा, तो जरूर लिखिए और अपनी हाजिरी लगाएं। संगत जी, प्यारे गुरु जी महाराज एक दिव्य प्रकाश है जो मानवता को आशीर्वाद देने और उनके कष्टों को दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर आए थे। और गुरु जी का जन्म संगत जी संत निर्मल सिंह महाराज के नाम से 7 जुलाई 1954 में पंजाब के मलेरकोटला के डुगरी गांव में हुआ। गुरुजी बहुत ही साधारण फैमिली में पैदा हुए और उनके बचपन के किस्से और कहानियां जो हर रोज़ वो करते थे, अपने चमत्कार दिखाते थे, तो उनके परिवार वाले भी ये नहीं जानते थे कि ये एक दिव्य आत्मा दिव्य शक्ति का जन्म उनके घर में हुआ है। धीरे धीरे गुरुजी जैसे बड़े होने लगे तो उनके परिवार वालों और उनके मित्रों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये एक शक्ति का शक्ति पैदा हुई है उनके घर में। और दोस्त भी ये जानने लगे, स्कूल के जो विद्यार्थी थे, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो भी ये जानने लगे कि एक दिव्य आत्मा एक दिव्य शक्ति उनके साथ हर रोज चलती है, उनके साथ रहती है। तो एक बार मजाक ही मजाक में प्रिंसिपल ने कहा कि निर्मल सिंह तैनू सारे लोग कहते हैं कि तू बहुत शक्तिशाली है, तो मैनू भी आज एक चमत्कार करके बखा। और उन्होंने खाली पेन गुरुजी के हाथ में थमा दिया और गुरुजी ने पेन में फूंक मारकर स्याही भर दी और जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो भी हैरान हो गए। गुरुजी के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो उनके दोस्त भी सुनाते हैं कि एक बार जो शिव अंकल हैं वो गुरुजी से फ़ोन पे बात कर रहे थे और जब उनकी धर्मपत्नी आके उनको टोकती है कि भाई आप किससे बात कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्त गुरुजी से बात कर रहा हूँ। तो वो कहती हैं ये कैसे कर रही हो, फ़ोन तो हमारा कितने दिनों से कटा है। तो संगत जी होता ये है कि गुरुजी साक्षात सभी के दिलों में बसते हैं जब उन्हें हम सच्चे दिल से पुकारते हैं, जब सच्चे दिल से उनके करीब जाते हैं और अपने हाथों की डोरियां उनके हाथ में सौंपते हैं, तो गुरुजी हमें संभाल लेते हैं। जब पूरी तरह हम उन पे सरेंडर कर देते हैं कि नहीं गुरुजी अब आपको ही हमें देखना है। और गुरुजी महाराज का एकमात्र एक स्थान बड़ा मंदिर ऐसा है कि जहाँ मंदिर के31 मई 2007 को हमारे प्यारे गुरुजी महाराज जी ने अपना जीवन चोला त्याग दिया। लेकिन जीवन चोला त्यागने के बाद भी आज भी वह साक्षात हर एक के साथ है जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है। गुरुजी महाराज उसी के अंग संग होते हैं, उसी के साथ साथ चलते हैं और अपने दर्शन देकर अपना होने का प्रमाण देते हैं। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुजी, बस उन्हें सच्चे दिल से आप एक बार पुकार के देखिए, अपना दिल से दिल का कनेक्शन बनाइए और आपके और गुरुजी के बीच में तीसरा कोई भी नहीं होना चाहिए, इस तरह की भक्ति कीजिए। मैं तो यही कहती हूँ कि वन टू वन कनेक्शन बनाइए अपने प्यारे गुरुजी महाराज के साथ और इस डिवाइन पावर इस डिवाइन शक्ति को हमेशा अपने साथ पाइए। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और आज की वीडियो पसंद आई हो और संगत जी ना भी आई हो तो भी मैं आज कहूंगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी से जुड़ना चाहती हैं, गुरुजी के नाम के माला के मोती पिरोना चाहती हैं और गुरुजी के बारे में जानना चाहती हैं।
तो मिलूंगी कल आपसे फिर से एक नए वीडियो में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कर दीजिए प्रेस, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो तो वो आपके स्क्रीन पर शो हो सके। कोई भी गलती, कोई भी गुस्ताखी हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।